हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको भिंडी के प्लांट के केयर के बारे में बता रही हूँ कि किस प्रकार से भिंडी के प्लांट की केयर करें। देखिए, जिसे ओकरा के नाम से भी जाना जाता है, ओकरा प्लांट देख सकते हैं। ये सभी प्लांट आपको भिंडी के हैं, देखिए। जिसमें कुछ तो भिंडी आ भी रहे हैं, देखिए 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 फ्रेंड्स। अगर इसके केयर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप अगर इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें कम से कम 12 इंच के गमले में लगाएं तो अच्छा है। अगर गमले में लगाना चाह रहे हैं, अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो और भी इस प्लांट की ग्रोथ होगी और भी अच्छे तरह से प्लांट फैलेंगे और इसमें बहुत सारे भिंडी देखने को मिलेंगे। ऐसे में ग्राउंड में नहीं, पॉट में ही लगा रखी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए इसमें भी कितने अच्छे से भिंडी हो रहे हैं। इसमें तो भिंडी भी हैं, इसमें नेनुआ भी लगे हुए हैं। एक पॉट में मेरे डबल प्लांट लगे हुए हैं, देख सकते हैं। प्लास्टिक के ये हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप कोशिश करें इस प्लांट को लगाने के लिए, गमले में लगा रखे हैं तो बड़े पॉट लें और पॉट में एक एक सीड ही ग्रो करें, एक एक प्लांट ही ग्रो करें। और इसके बाद जब आपके प्लांट ग्रो हो जाते हैं तो इसे ऐसी जगह दें, क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं वार्म वेदर को पसंद करते हैं, गर्म जलवायु। इसलिए आप इसे ऐसी जगह का चॉइस करें जहाँ इसे धूप मिले, 7-8 घंटे की इस पर धूप मिले तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत सारे भिंडी भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर इसके सॉइल की बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे प्लांट देख रहे हैं, इस जितने सारे मिट्टी आप देख रहे हैं, एक खेत की मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं, ओनली खेत की मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं। आप चाहे तो इस प्लांट को लगाने के लिए, ओकरा प्लांट को लगाने के लिए, आप एक पार्ट बालू ले लें, एक पार्ट सैंड ले सकते हैं और एक पार्ट आप काउडंक मिलाकर इस प्लांट को लगा सकते हैं। इससे भी आपके प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत सारे मात्रा में भिंडी देखने को मिलेंगे। अगर इस प्लांट की डिजीज के बारे में बात करें तो इस प्लांट में एफिड मिलीबग वगैरह देखे जा सकते हैं, यहाँ तक कि वाइट फ्लाई भी देखे जा सकते हैं। तो आप इस स्थिति में आप अपने प्लांट पर नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें। शुरुआत से ही इस प्लांट पर कुछ ज़्यादा कीड़े लगते हैं तो आप शुरू से ही नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें और इसके पीछे पत्तों में भी कीड़े लगते हैं और धीरे धीरे इसके पत्तों को खा जाते हैं। जैसे कि देखिए मेरे भी प्लांट में है, देखिए। अगर इस तरह के आपके भी प्लांट में हैं दिखाई दे तो इस पत्ते को तुरंत आप हटा दें, देख सकते हैं इस कीड़े ने पूरे खा गए पत्ते को, देखिए। इस तरह के पत्ते को तुरंत हटा दें। इस स्थिति में आप नीम ऑयल, नीम के पत्तों का स्प्रे करिए, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें अपने प्लांट पर, जिससे आपके प्लांट
थोड़े बचे रहेंगे कीड़े मकोड़े से, पेस्ट इंसेक्ट से। इस प्लांट में एक डिजीज और भी देखे जा सकते हैं। इसके पत्ते को, पत्ते पीले होकर गिर जाना, इसमें नॉर्मल ये बात है। इसकी भिंडी भी, ऐसे मेरे प्लांट में अभी नहीं है तो हरे हरे हैं, इसकी भिंडी भी मतलब ग्रीन कलर के नहीं होते, हल्के पीले कलर के होते हैं, और भिंडी भी अपने आप ही गिर जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी तरह से नहीं हो पाते। इसमें ये भी डिजीज देखे जा सकते हैं। इस स्थिति में फ्रेंड्स, एक मैं और केमिकल दवा, मेडिसिन का नाम बताती हूँ, रोगर, जो आप कहीं भी आपके दुकान पर आपको मिल जाएंगे, कृषि केंद्र दुकान पर, वहाँ से आप ले सकते हैं इस दवा को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस दवा का नाम लिख दूंगी। आप उस दवा का स्प्रे इस प्लांट पर करते रहें, इससे आपके प्लांट हेल्दी और स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए इसकी ग्रोथ देखिए, इसके बाद इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो तो कौन सा फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं, कौन सा मतलब क्या डालें जिससे आपके प्लांट में बहुत ग्रोथ अच्छी हो, भिंडी बहुत सारे मात्रा में देखने को मिले। फ्रेंड्स, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करें अपने खाने वाले चीज़ों में। काऊ डंग डालिए, बिकली बिकली, खासकर ग्रोइंग पीरियड में बिकली बिकली आप डाल दिया करें, लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में अभी डाल सकते हैं। आप चाहे तो सूखे भी डाल सकते हैं। काऊ डंग यूज करिए, हमेशा 1-2 साल पुराने हो तो अच्छा है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ताजे गोबर का खाद का यूज ना किया करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं जो आपके प्लांट को इन्फेक्टेड कर देंगे। इसलिए फ्रेंड्स, गोबर खाद का यूज कर सकते हैं, या फिर बोन मील वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर किचन वेस्ट जो फ्रूट एवं सब्जियों के छिलके हैं उसका आप मिट्टी में दबा दीजिए, उस सब छिलकों को, जैसे कि देख सकते हैं, देखिए मैं ऊपर ही ऊपर ये सब छिलके को रख दी हूँ। देखिए ये अपने आप ही मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में भी अपने प्लांट को दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, वो यूज करिए, आपके घर में ही अवेलेबल है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, ये सब फ्रूट एवं सब्जियों के छिलके फेंके नहीं, अपने प्लांट में यूज करिए, गोबर की खाद डालिए, बोन मील डाल सकते हैं, कितने सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है इसका यूज करिए। इतने में ही आपके प्लांट देखिए कितने हैप्पी दिखेंगे, और जब आपके प्लांट हैप्पी रहेंगे तो आपके प्लांट में बहुत सारे भिंडी भी देखने को मिलेंगे। देखिए कई भिंडी तो मैं तोड़ चुकी हूँ, बहुत सारे भिंडी आए थे इस बार, देखिए। इसलिए फ्रेंड्स, अगर और भी कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।